हाई दिशिश शमा तो कुछ टाइम से हमने ना इंटरनेशनल मार्केटिंग की जो सीरीज़ स्टार्ट करी है उसमें लास्ट टू लेक्चर्स में हम इंटरनेशनल मार्केटिंग का जो है अच्छे से मीनिंग और उसके इंपॉर्टेंस फीचर्स फंक्शंस ये सब बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं और लेक्चर टू के अंदर हमने एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज को भी डिस्कस किया था अब लेक्चर नंबर थ्री में आते हैं इसमें क्या है आज हम इंटरनेशनल मार्किटिंग इन्वामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं तो कौन कौन से जो फैक्टर्स है जो कि हमारे डिसीजन को इफेक्ट करते हैं इन्वामेंट के कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इंटरनेशनल मार्केट को अफेक्ट करते हैं यहाँ पर मैंने सिंपल वर्ड्स में इंटरनेशनल मार्केटिंग का मीनिंग लिखा हुआ है इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपने गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग करते हैं तो उसको हम इंटरनेशनल मार्केटिंग बोलते हैं ठीक है उसके बाद है इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायमेंट क्या होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायमेंट इज़ अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स इंटरनेशनल मार्केटिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग मीन इज अ प्रिपेयर इन द लाइट ऑफ दिस इन्वायमेंट ऐसे फैक्टर्स या ऐसे फोर्सेस जो कि हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में जब हम करते हैं तो जो हमारे डिसीजंस लेते हैं उनको अफेक्ट करते हैं उसको हम इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वामेंट बोलते हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं एक होते हैं कंट्रोलेबल जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं दूसरे होते हैं अनकंट्रोलेबल जिनके ऊपर कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है ट के सारे फैक्टर्स को लिखा हुआ है अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं क्योंकि बाद में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं मैम अपना हाथ इधर कर लो मैम अपना हाथ इधर कर लो तो वो तो वीडियो बन चुकी है अब उसके अंदर मैं मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती हूँ लेकिन अब आप चाहें तो उसका स्क्रीन ले लेना ठीक है स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एन्वायरमेंट के अंदर दो टाइप के एन्वायरमेंट होते हैं एक होता है इंटरनल इन्वामेंट एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो इंटरनल इन्वामेंट होता है वो कंट्रोलेबल इन नेचर होते हैं जो ये वाले फैक्टर्स होते हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कंपनी चाहे तो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकती है दूसरे होते हैं एक्सटर्नल इन्वामेंट ये जो होते हैं वो अनकंट्रोलेबल इन नेचर होते हैं ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं इनके ऊपर कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है इंटरनल इन्वामेंट जो होता है या फिर जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं वो कंपनी से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं और जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं वो मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं ठीक है इंटरनल uh, इन्वायरमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मार्केटिंग मिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट रॉ मटेरियल ठीक है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हमने दो पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया है एक है माइक्रो इन्वायरमेंट एक है मैक्रो इन्वायरमेंट अब इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं पहला आता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जिनको हम कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स भी बोलते हैं इसके अंदर है सबसे फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सिस वेदर यू रन अ बिजनेस ऑन अ बिग और अ स्मॉल स्केल अलोंग विद अ गुड आइडिया एंड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट यू नीड अ ग्रेट टीम बिहाइंड द बिजनेस मेकिंग ऑपरेशन रन स्मूथली एंड टेकिंग केयर ऑफ द डे टू डे वर्क इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट टीम इज ह्यूमन रिसोर्सिस डिपार्टमेंट देखो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी का वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है कंपनी के लिए क्योंकि जितने भी वहाँ पे वर्कर्स होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही उनको रिक्रूट करता है और उनको सिलेक्शन करता है ठीक है एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आपका बिजनेस है वो स्मूथली रन कर सके ठीक है और जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो क्या करता है जो अदर इम्प्लॉयज़ हैं आपके कंपनी में उनका ध्यान भी रखता है ये भी ध्यान रखता है कि जो प्रोडक्टिव इन्वामेंट है वो अच्छे से बना रहे ठीक है साथ में जितने भी क्वालिफाइड डिसीजंस होते हैं या फिर कोई भी पॉलिसी बनानी होती है वो भी जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही परफॉर्म करता है ठीक है तो इसलिए जो ये कंपनी फैक्टर इसलिए बोला गया है कि जो कंपनी है वो अपने हिसाब से अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को सिलेक्ट कर सकती है और एक अच्छी टीम प्रिपेयर कर सकती है नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है फाइनेंशियल रिसोर्स इफ़ द बिजनेस डज नॉट हैव फंड्स, इट विल स्ट्रगल टू ऑपरेट एंड इट टर्न टू बी अनेबल टू जनरेट प्रॉफिट टू सरवाइव इन अ फॉरन मार्केट्स, देर मस्ट बी एडोकेट फंड फॉर द प्रोडक्शन एडवर्टीजमेंट प्रमोशन एंड डेली टू डेली एक्सपेंसिस एसेट्रा यहाँ पे ये यह बोल रहे कंपनी को फॉरेन मार्केट्स में रन करने के लिए उनके पास सफिशियंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए ठीक है ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो कहाँ से अरेंज करेगी सो so दैट वो अपना फॉरन मार्केट में प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन कर सके एडवर्टीजमेंट कर सके एंड प्रमोशन कर सके नेक्स्ट फैक्टर आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मीन बाय द कैपेसिटी ऑफ मशीन इज मैक्सिमम प्रोडक्शन बाय दैट मशीन इफ़ द मैनेजमेंट इज़ गुड देन दे कैन यूज देयर मशीन्स इन अ बेस्ट वे टू प्रोड्यूस मैक्सिमम यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके जो मैनेजमेंट है ना वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो मशीन है उनका हम मैक्सिमम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके और मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके लेकिन अगर आपके जो मैनेजमेंट टीम है वही अच्छी नहीं होगी तो वो जो मशीनरी है उनकी जो रियल uh, वैल्यू है उसको वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको यूज नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट फैक्टर है मार्केटिंग मिक्स कंपनी सक्सेस डिपेंड्स इफ इट इज ऑप्टेन ऑप्टिमम मार्केटिंग मिक्स रॉबर्ट हैज़ टोल्ड दैट फोर पीज एंड फोर सी आर इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल मार्केटिंग देखो आ, जिस कंपनी का मार्केटिंग मिक्स बहुत अच्छा होता है उस कंपनी की सक्सेस रेट ज़्यादा होते हैं जनरली हम मार्केटिंग मिक्स में सिर्फ फोर पीस की बात करते हैं लेकिन यहाँ पे रोबोट ने बोला है कि फोर पीस के साथ साथ आपको फोर सीज के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है पहला है फोर पीस में है प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाओ तभी वो मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट होगी दूसरा है प्राइस प्राइस उसका इस तरीके से फिक्स करो कि जो कि कंज्यूमर उसको बियर कर सके तीसरा है प्लेस प्लेस ऐसा रखो कि आप कस्टमर के पास उस प्रोडक्ट को इजीली अवेलेबल करा सको लास्ट भी आता है प्रमोशन जिसमें हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से कम्युनिकेट करें कस्टमर्स के साथ सो so दैट वो कनेक्टेड फील करें और आपके प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर दें Next factor is research and development. Research about foreign markets in which company will launch its product. जब भी हम किसी फॉरेन uh, मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले हम उस फॉरेन मार्केट के बारे में पूरी रिसर्च करते हैं वहाँ के कस्टमर्स की नीड को जानते हैं कि, कि किस टाइप के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उनको कैसा उनका कल्चर है किस टाइप की लैंग्वेज है वहाँ पे ये सब हम वह रिसर्च करते हैं आर एंड डी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस बिकॉज इट्स प्रोवाइड्स पावरफुल नॉलेज एंड इंसाइट्स लीड्स टू इम्प्रूवमेंट टू एग्जिस्टिंग प्रोसेस वेयर द एफिशेंसी कैन बी इंक्रीज एंड कॉस्ट डिड्यूज कर, कर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किस तरीके का प्रोसेस वहां पे फॉलो किया जाता है और जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसके अंदर आप किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे क्या होगा आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी लास्ट फैक्टर है रॉ मटेरियल एवेबिलिटी ऑफ raw material, प्राइस ऑफ raw material, कस्टम ड्यूटी और taxes ऑन import ऑफ रॉ material. ठीक है जब भी आप किसी फॉरन मार्केट के अंदर बिजनेस करते हैं वहाँ पे आप अपनी मैनुफेक्चर स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले ये स्टडी करेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है क्या वो अवेलेबल है ठीक है और अगर है तो वो किस प्राइस के ऊपर है अगर हम वहाँ से इम्पोर्ट कराते हैं किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में इम्पोर्ट कराते हैं तो क्या कस्टम ड्यूटी और जो टैक्सेस हैं वो उसके ऊपर चार्ज होंगे ठीक है अब हमारे जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं इंटरनल इन्वामेंट फैक्टर्स जिनको हम मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स भी बोलते हैं एक्सटर्नल इन्वामेंट रेफर्स टू द फैक्टर्स आउटसाइड फ्रॉम द फर्म दीज फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर्स ठीक है फर्दर इट डिवाइड इंटू टू पार्ट्स अनकंट्रोलेबल जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम टू पार्ट्स में स्टडी करेंगे एक होते हैं माइक्रो फैक्टर्स एक होते हैं माइक्रो फैक्टर्स ठीक है माइक्रो फैक्टर्स कौन से होते हैं माइक्रो इन्वामेंट इज मेड ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट आर क्लोज टू कंपनी एंड डायरेक्टली इंपैक्ट द कस्टमर एक्सपीरियंस माइक्रो फैक्टर्स में सिर्फ हम इंडिविजुअल और जितनी भी कंपनीज हैं आपकी इकनॉमी के अंदर उसके बारे में बात करते हैं इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है सप्लायर मार्केटिंग मैनेजर मस्ट चेक सप्लाई एबेबिलिटी ऑफ राइट रॉ मटेरियल of a good quality at a adequate price so that production does not stop जब भी जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो किसी फॉरेन मार्केट के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करने जा रहा है या वहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है तो सबसे पहले वो ये चेक करता है कि क्या वहाँ पे रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है वो अवेलेबल है ठीक है क्या मुझे गुड क्वालिटी का वहाँ पर जो रॉ मटीरियल है वो मिल जाएगा और क्या मुझे एडोकेट प्राइस पे वहाँ पर जो है गुड क्वालिटी का रॉ मटीरियल मिलेगा सो so दैट जो उनका प्रोडक्शन है वो बीच में ही ना रुक जाए ठीक है फ़ॉरन मार्केट में जो सप्लाई है उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है आपको वहाँ पर ढूंढना पड़ता है अपना जो रो मटेरियल है उसको अवेल कराने के लिए सप्लायर से जाकर पहले बात करनी पड़ती है उनके साथ डील करना पड़ता है तभी वो आपको रो मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं नेक्स्ट है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स इट रेफरस टू रीसेलर मार्केटिंग सर्विस एजेंसी एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स दीज आर अ पीपल दैट हेल्प्स कंपनी टू प्रमोट सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट टू फाइनल बायर्स जो मार्किटिंग इंटरमीडिएटर्स होते हैं वो क्या करते हैं वहाँ पर जो कंपनी uh, है उसको हेल्प करते हैं कि उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कराने में हेल्प करते हैं उनके प्रोडक्ट को सेल कराने में हेल्प करते हैं साथ में ये इंश्योर करते हैं कि जो उनका जो प्रोडक्ट है वो फाइनली उनके बायर्स के पास पहुँच जाए नेक्स्ट फैक्टर है कस्टमर्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर मार्किट्स इंक्लूड कंज्यूमर मार्किट बिजनेस मार्केट गवर्नमेंट एसेकट्रा आल्सो डिसाइड टू होम द प्रोडक्ट इज मेकिंग और मार्केटिंग जो मार्केटिंग मैनेजर है उसको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा जो आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो वो किस टाइप के कस्टमर्स के लिए बना रहे हो क्या आप कंज्यूमर मार्केट के लिए बना रहे हो क्या आप बिजनेस मार्केट के लिए बना रहे हो या फिर आप गवर्नमेंट के लिए बना रहे हो नेक्स्ट फैक्टर है कॉम्पिटर्स कॉम्पिटिटर्स भी आपके जो डिसीजन है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं कॉम्पिटेटर्स आर आल्सो फैक्टर्स इन द माइंड माइक्रो इन्वायरमेंट एंड इंक्लूड कंपनीज विद अ सिमिलर ऑफरिंग फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज द कंपनी शुड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स जब आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा अवेल होते हैं वो सेम टाइप का ही गुड्स एंड सर्विसेज भी ऑफर करते हैं लेकिन आपको क्या करना है आपको ऐसी जो है स्ट्रेटजिक डेवलप करनी है जिससे लोग आपका प्रोडक्ट परचेज करना प्रेफर करें ओवर दी कॉम्पिटिटर्स लास्ट फैक्टर है पब्लिक फाइनल एक्सपेक्ट ऑफ द माइक्रो एनवायरमेंट इज पब्लिक विच इज एनी दैट हैज एन इंटरेस्ट इन और ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू मीट इट्स गोल देखो ये बोल रहे हैं कि जो पब्लिक है वो डायरेक्टली कंपनी के ऊपर इंपैक्ट करती है कि जो कंपनी है वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या किस तरीके से वो परफॉर्म करेगी क्या वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी ठीक है पब्लिक में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे कि फाइनेंशियल पब्लिक मीडिया पब्लिक लोकल पब्लिक जनरल पब्लिक एग्जाम्पल ये रखा है जनरल पब्लिक कैन ग्रेटली अफेक्ट द कंपनी बाय देयर पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड विच को सेल्स टू गो अप और डाउन ठीक है जनरल पब्लिक की हम बात कर रहे हैं अगर जनरल किसी जनरल पब्लिक का किसी कंपनी के टुवार्ड्स पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ठीक है पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो क्या होगा वहाँ पे जो है उस कंपनी की जो गुडविल है वो इंक्रीज होगी साथ साथ फिर उसकी सेल्स भी इंक्रीज होगी और जो कंपनी है वो ग्रो करेगी सिमिलरली उसके अपोजिट भी हो सकता है अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल फैक्टर्स जो कि है मैक्रो इन्वामेंट फैक्टर्स ठीक है माइक्रो में हमने क्या पढ़ा था इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी लेकिन माइक्रो में क्या होता है हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं कि वहाँ पे किस टाइप की जो इकोनॉमी है उसके अंदर लीगल पोलिटिकल सोशल कल्चर लैंग्वेज सब चीज़ के फैक्टर्स जो हैं आ जाते हैं पहला है Social and cultural environment. Marketers who intend to market their product in overseas market may be very sensitive to the foreign culture because different countries have a different social and culture environment. These include, जब marketer kisi foreign market ke andal, apne product ko बेचना चाहता है यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना चाहता है तो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के जो है डिफरेंट कल्चर्स होते हैं तो जब भी वो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करते हैं उन कल्चर्स को उनको अपने माइंड में रखना पड़ता है इस कल्चर्स में इंक्लूड होते हैं पहला है लैंग्वेज लैंग्वेज डिफरेंस कोजेस मैनी प्रॉब्लम फॉर द मार्केटर्स इन डिजाइनिंग एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट लेबल मार्केटर्स को ये सोचना पड़ता है कि हम किस तरीके से जो है वहाँ पे अपनी एडवर्टाइज डिज़ाइन करें और जो है प्रोडक्ट लेबल्स हैं तैयार करें सो so दैट जो वहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनको इजीली समझ आ जाए नेक्स्ट है कलर्स कलर्स हैव आल्सो डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर्स ठीक है जब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो वहाँ पर आपको ये भी सोचना है कि जो कलर्स हैं उनको लेके बहुत केयरफुल रहना है कि किस टाइप का कलर है हमें यूज़ करना है फॉर एग्ज़ाम्पल पर्पल इज़ अनएक्सेप्टेबल इन हिस्पेनिक नेशन बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद डेथ वहाँ पर पर्पल कलर का जो जो पर्पल कलर है वहाँ पे वो यूज़ ही नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे उसको डेथ का साइन माना जाता है नेक्स्ट है वैल्यूज इंडिविजुअल वैल्यूज अराइज फ्रॉम हिज और रिलीजियस बिलीफ एंड आर लर्न थ्रू एक्सपीरियंस जो वैल्यूज है वहाँ पर वो भी आपको स्टडी करनी पड़ती है नेक्स्ट है बिजनेस नॉर्म्स द नॉर्म्स ऑफ द कंडक्टेड बिजनेस आर ऑल्सो वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू नेक्स्ट जो जो बिज़नेस नॉम है वो भी हर कंट्री के अलग अलग होते हैं नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्वामेंट पॉलिटिकल इन्वामेंट ऑफ एब्रॉड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन नेशन हर कंट्री का पॉलिटिकल इन्वामेंट अलग होता है यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो एब्रॉड uh, का जो पॉलिटिकल इन्वामेंट है वो इंडिया से बिल्कुल अलग होता है ठीक है पहला हम करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये हमें नहीं पता कि वहाँ जिस कंट्री के अंदर हम अपना बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं या अपना जो प्रोडक्ट है हम वहाँ पर सेल करेंगे उसकी जो गवर्नमेंट है वो कितनी स्टेबल रहती है। दूसरा है, decide, nations, है। जब भी आप किसी में जाकर लेकिन जब आप उसी प्रॉफिट को अपनी करेंसी के अंदर अपनी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कराते हैं तो उस टाइम पे जो आपकी एक्सचेंज रेट है वो क्या है वो कितनी फ्लक्चुएट करती है ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है कंपनी के लिए Because these rates fluctuate widely and often they create high risks for the exporters and importers. Okay? Next had tariffs and non-tariff barriers. Most nations encourage. फ्री ट्रेड by inviting firms टू इन्वेस्ट एंड कंडक्ट बिजनेस देयर वाई सम अदर नेशंस पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो क्या करते है? करती हैं फॉरेन कंपनीज को ऑफर करती हैं इनवाइट करती हैं कि आइए आप हमारे नेशन के अंदर बिजनेस करिए ठीक है और उनको कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी देती हैं लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे नेशन्स हैं जो कि दूसरी कंट्री को अपनी कंट्री में बिजनेस नहीं करने देती है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं नेक्स्ट है लीगल इन्वामेंट बिजनेसिस आर इफेक्ट बाई लीगल इन्वामेंट ऑफ द कंट्री इन मैनी वेज लीगल इन्वामेंट आर नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशन दिज आर आल्सो डिफाइंड बाई द फैक्टर्स लाइक रूल्स ऑफ लॉ लिटिगेशन सिस्टम लेबर लॉ एसेट्रा हर कंट्री का लीगल इन्वायरमेंट अलग होता है और बिजनेस जो है उनके लीगल इन्वायमेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं लीगल इन्वायमेंट में सिर्फ हम डिफरेंट लॉज की या रेगुलेशन की बात नहीं करते हैं जब भी हम किसी कंट्री का लीगल इन्वॉर्मेंट पढ़ते हैं स्टडी करते हैं तो साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे किस टाइप के रूल्स ऑफ लॉ हैं ठीक है किस टाइप का लिटिगेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है वहाँ पे लेबर लॉ किस टाइप के हैं कौन से लेबर लॉ फॉलो किए जाते हैं उन सब को हमें स्टडी करना पड़ता है अपना बिजनेस सेटअप करने से पहले नेक्स्ट फैक्टर है इकोनॉमिक इन्वामेंट इंपॉर्टेंट टू एनालाइज टू आइडेंटिफाई राइट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटरप्राइजेस इकोनॉमिक इन्वामेंट इज कम्प्राइज नेशनल इनकम इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी बीओपी पर कैपिटल इनकम एक्सेट्रा जब भी आप किसी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आप उनके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को भी स्टडी करते हैं जो कंट्री है उसकी नेशनल इनकम क्या है ठीक है वहाँ पे किस तरीके से जो है इंडस्ट्री सेटअप की जाती है कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है उस कंट्री के जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो क्या है क्या हमें वहाँ पर बिजनेस सेटअप करना बेनिफिशियल रहेगा ठीक है उसका जीडीपी क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके का है डेफिसिट में रहता है या फिर बैलेंस रहता है ठीक है पर कैपिटल इनकम क्या है ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमें पहले स्टडी करने पड़ते हैं तब भी हम उनके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज फ्रेम करते हैं next factor, have competitive environment. to plan effectively international marketing strategies, marketer must analyze nature of competition, competitive situation in the international markets, players in competition, and competition regulations, etc. जब भी आप किसी फॉरेन uh, मार्केट में अगेन जब आप किसी फॉरेन मार्केट के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल होंगे ठीक है तो आपको ये एनालाइज करना है कि आप किस तरीके से इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटीज बनाएं, सो so दैट वहाँ के कॉम्पिटिटर से आप कॉम्पीट कर सकें ठीक है वहाँ की जो कॉम्पिटेटिव सिचुएशंस है उसको आप स्टडी कर लें ठीक है किस तरीके से जो वहाँ के प्लेयर्स हैं उनके साथ आप डील करेंगे ठीक है और किस टाइप का जो कॉम्पिटिशन रेगुलेशन है वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं लास्ट आता है टेक्नोलॉजी इन्गमेंट टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इम्पैक्ट द स्पेयर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑपरेशन इंक्लूड प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम मार्केट एसेट्रा मार्केटर मस्ट अडोप्ट और डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी टू सर्वाइव इन दी मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर किस तरीके की टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जाता है एक तो आप उसको पहले समझें और उसको अडोप्ट करें साथ में आप ऐसी अपनी न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करें सो so देट आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकें सो so, ये था हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का टॉपिक्स ये दोनों टाइप के फैक्टर्स जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं इंटरनल कंट्रोलेबल इन नेचर्स होते हैं एक्सटर्नल आपके अनकंट्रोलेबल इन नेचर्स होते हैं वन बाय वन हमने सबको डिस्कस करा है जितने भी ये वाले फैक्टर्स होते हैं इनके ऊपर कंपनी का कंट्रोल रहता है कंपनी चाहे अपने तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकती है लेकिन जो ये वाले फैक्टर्स हैं इनके ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है कंपनी को इनको प्लान करना पड़ता है इनकी अकॉर्डिंग अपनी कंपनी uh, की पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं सो दैट वो मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें और वहाँ पर सर्वाइव कर सकें यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है अगर आपको वीडियो समझ आई है और पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करना साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना थैंक यू फॉर वॉचिंग